बाप कुदरत का एक ऐसा तोहफा है जो अपनी सारी जिंदगी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वक्फ कर देता है। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी फादर्स डे मनाया जा रहा है। फादर्स डे के मौके पर कुछ बच्चे अपने वालिद को तोहफे तो कुछ बच्चे बहुत सारा प्यार और दुआएं दे रहे हैं। मैं अपने पापा को मैं फूल दूंगा गिफ्ट में। आई लव माय फादर। मैसेज उनके लिए कि वो हमेशा खुश रहे। हमारे अल्लाह ताला अबू को सेहत दे और ज़िंदगी दे और हमेशा अल्लाह करे हमारे अबू हमेशा ठीक रहें और खुश रहें। मैं अपने अबू को गिफ्ट में प्यार दूंगी। आई लव यू पापा जानी। मैं अपने अबू को बहुत सारा इंशाल्लाह प्यार दूंगा और मैं अपने अबू को हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। आई लव यू पापा। ये तो था तस्वीर का एक रुख, मगर दूसरी तरफ वो बदनसीब वालदैन भी हैं जिनकी औलाद इन्हें बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ जाती है। ऐसे लोग जिनकी औलाद ने उन्हें छोड़ दिया है, उनका कहना है कि जिस तरह हमारी औलाद हमें बीच रास्ते में छोड़ देती है, उसी तरह उनकी औलाद भी इन्हें दर बदर छोड़ देगी। क्योंकि दुनिया मुकाफात अमल का नाम है, लेकिन हमारी दुआ है कि खुदा हमारी औलाद को सीधा रास्ता और कामयाबी दे। कि अल्लाह उनको राह रास्त कर लाए। अपने बच्चों के लिए कहेंगे कि अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले बन जाएं, कि बस वहाँ माँ बाप के फरमाबरदार बन जाएं, उनकी खिदमत करने वाले बन जाएं, माँ बाप की कदर करें। क्यों माँ बाप दुनिया में एक दफ़ा मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज वो क्वालिफाइड हैं, कोई बैंक में लगा हुआ है, कोई किधर लगा हुआ है, लेकिन मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे को यहाँ फेंक के चले गए हैं। आज एक साल से मैं यहाँ रुल रहा हूँ। मेरे सारी के ना कुछ खाया जाता है, ना कुछ पिया जाता है। एक फ़ोन तक भी किसी ने नहीं किया कभी। अपने माँ बाप की कदर करो। जो अल्लाह ताला जो अपने माँ बाप की इस दुनिया में कदर नहीं करेगा, उसकी औलाद उसकी कदर नहीं करेगी। ये दुनिया के बदले दुनिया में ही ख़त्म हो जाएंगे। जितना कुछ करते थे औलाद के लिए करते थे, तो आज औलाद भी ऐसी निकली जो कमान को अस्पताल के बहाने पर यहाँ पर फेंक के चली गई है। और ना कोई 3 साल से कोई मुलाकात है, ना कुछ है। हमारा तो दिल ऐसा हो गया कि इस दुनिया में हमारे बच्चे भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सिवा अल्लाह है। औलाद के लिए माँ की मोहब्बत और बाप का साया दोनों अहम असासे होते हैं। और जो औलाद इन रिश्तों की कदर नहीं करती, वो ना दुनिया की रहती है और ना ही आखिरत की। मेरा बाप कोई हीरो नहीं है, मगर मेरे अच्छे मुस्तकबिल के लिए उसने चाहे अनचाहे वो तमाम काम किए ताकि मैं एक अच्छी इंसान बन सकूँ। मेरा बाप कोई हीरो नहीं है, मगर उसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। साइमा जमील खान, CNBC पाकिस्तान, कराची।